हे गाइस वेलकम टू फनाटिक्स गेमिंग दिस इज दिसम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ पबजी और पबजी मोबाइल वापस आने वाला है बहुत जल्द और इसके बारे में अब आप आपको पता चल चुका है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है अब तो सब ऑफिशियली आ चुका है फाइनल हो चुका है कि आने वाला है तो अब बैन होने वाला है अनबैन होने वाला है ये सारी बातें अब इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा क्योंकि अब जो है फाइनली पबजी मोबाइल आ रहा है और दैट इज़ टू हंड्रेड परसेंट श्योर कि अब एक अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कि बहुत जल्द आने वाला है खैर वो तो आ गया लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी जो टैप टैप एप्लीकेशन है जिसे आपने पबजी कोरियन वर्जन इंस्टॉल किया था वहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया प्री रजिस्टर करने का एक ऑप्शन आ रहा है हैरानी की बात यह है कि कोई भी चीज़ आती है तो हमारे सबसे गूगल प्ले पे सबसे पहले आती है ये तो हम यूज़ भी नहीं करते हैं तो मैंने जब चेक करा गूगल प्ले स्टोर पर तो कहीं पर भी प्री रजिस्टर का कहीं पर कुछ ऑप्शन तक नहीं आ रहा है और इस एप्लीकेशन पे आ रहा है तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ पे अभी तक डाउट है कि इस पर रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर मांग रहे हैं सो आप ये कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर करके देख सकते हो बट जो आपकी मेन आई है जो आपने यहाँ भी यूज़ की थी उसको यूज़ मत करना वैसे तो दूसरे का भी मुझे डाउट है क्योंकि आ, ये जो है इंडिया के लिए निकला है तो अगर इंडिया के लिए निकला है तो गूगल प्ले स्टोर पर सीधा आना चाहिए था लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर कहीं पर इसके बारे में अभी तक तो नहीं आया और टैप टैप पे पहले आ गया तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ है तो इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये फेक है या रियल है मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस पर बट टैप जो है ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन तो है और वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है बट थिंग इज़ इंडिया में गूगल प्ले स्टोर हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे अभी तक कोई रजिस्टर का कोई ऑप्शन नहीं आया है एज इस पर आ चुका है तो थोड़ा टाइम रुक लो या फिर आप ये कर सकते हो अपनी कोई दूसरी आईडी जो है नई आईडी बना के अगर आप करना चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो ऑल्सो यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बट यहाँ के जो उसके की पॉइंट्स है जो भी चीज़ एक्सपेक्टेड है जो आ सकती है वो यहाँ पर लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स और स्किन्स आ सकती हैं और ग्रीन हेड इफ़ेक्ट्स इंस्टेड ऑफ रेड क्योंकि ऑब्वियसली एक तो मुश्किल से एक चीज़ आ रही है अब वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का उनको एक्सक्यूज़ मिला जाए कि ये चीज़ फिर से बैन कर दो क्योंकि ये वॉयेंट है तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो ग्रीन हेड इफेक्ट्स लाए उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं यंग प्लेयर्स के लिए क्योंकि बहुत जो है यंग प्लेयर्स एडिक्ट हो जाते हैं और उनके लिए उनके हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है तो ये कर सकते हैं कि टाइम रिस्ट्रिक्शन डाल दें वो तो ये चीज़ कहीं ऑफिशियली नहीं आई कि ये चीज़ होगी लेकिन एक एक्सपेक्टेड चीज़ है क्योंकि वो नहीं चाहते फिर से ये चीज़ बैन हो बड़ी मुश्किल से बहुत उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और इंडिया के लिए स्पेशली इतनी ज़्यादा उन्होंने जो एफ़र्ट लगाया है तो डेफ़िनेटली वो नहीं चाहते कि उनको एक भी रीज़न ऐसा मिले कि भाई फिर से बैन किया जाए सो so, इस वजह से उन्होंने जो है ये चीज़ हो सकती है ये पॉइंट्स जो हैं कंसिडर करें और उस हिसाब से जो है पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन जो है वो लेकर कर आएँ एंड पबजी मोबाइल भी लाए कि अब तुम रीज़न दोगे ना और बैन करने का दो और क्या रीज़न देना चाहते हो जो भी दोगे ना अब हमने वो चीज़ सब इंक्लूड कर दिया अब बैन करके दिखाओ तो वो चीज़ कोई नहीं लेना चाहते कि यार इतनी मुश्किल से एक चीज़ लेकर कर डेफिनेटली उन्होंने हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंडिया का सपोर्ट करा है अगर आपने ध्यान से देखा हो पहले पॉलिसी चेंज की गई थी इंडिया वालों के लिए और अब तो पूरा नया वर्जन लेके आ रहे हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज है ये तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था और वीडियो तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी ही क्योंकि पबजी मोबाइल जो है फाइनली वापस आ रहा है इंडिया में सो so इस वीडियो पे वील एम फॉर 250 लाइक्स एंड जल्दी से कंप्लीट करवा देना बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो